हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब मिस्ट्री। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रिटर्न मटेरियल प्रोसेस। तो रिटर्न मटेरियल प्रोसेस में हम RMA का यूज़ करते हैं, यानी रिटर्न मटेरियल ऑथराइजेशन। तो हमारे पास सबसे पहले एक मैदा का सैंपल है, तो इसमें 4 बैग मैदा आया हुआ है जिनका सैंपल हम उनके बैग से लाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सैंपल नंबर 1 ये है, तो इसमें ना तो कीड़े हैं, सैंपल नंबर 2 में भी कीड़े नहीं हैं और इस तरह से देखने में भी कलर साफ लगता है। इसी तरह तीसरा सैंपल भी सही लग रहा है। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं, इन्फेक्टेड तो नहीं है। चौथा सैंपल भी बिना कीड़े के है, ना ही इन्फेक्टेड है, तो इसमें ब्लैकनेस की प्रॉब्लम आई है। इसमें कहा गया है कि जब इसको गूंथते हैं तो ये काला पड़ जाता है, तो इसके लिए हम इसका कलर टेस्ट करेंगे। इस तरह देखने पे एकदम वाइट मैदा लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है, लेकिन जब इसको हम गूंथेंगे तो ये काली पड़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को देखने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं और उस स्टैंडर्ड सैंपल से इसका कंपेयर कराते हैं। तो हमने ये स्टैंडर्ड सैंपल लगाया और ये अपने चारों सैंपल लगाए हैं ये, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अंतर आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से आपको पता चला कि जो हमारा रिटर्न मटेरियल आया था और स्टैंडर्ड मटेरियल में कितना अंतर था। तो मैं कलर टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उसमें आप आसानी से सीख सकते हैं कलर टेस्ट किस तरह किया जा सकता है। कलर में इस तरह की प्रॉब्लम के कई कारण हो सकते हैं, उनके बारे में हम आगे नए वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे।